मध्य प्रदेश के बैतूल थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लव ट्रायंगल में दो युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या करने की बात सामने आई है। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 19 दिसंबर को सुबह बैतूल हमलापुर हनुमान मंदिर के सामने रोड के किनारे एक नवयुवक का शव पड़े होने की सूचना सो डायल पर मिलने पर गंज पुलिस व एसडीओपी बैतूल मौके पर पहुंचकर मौके पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। मृतक की पहचान पंकज यदुवंशी पिता राजेश यदुवंशी उम्र 19 साल निवासी हरनिया थाना बोरदेही के रूप में हुई है। घटना की गंभीरता पूर्वक जांच के लिए एसपी सिद्धार्थ चौधरी एएसपी कमला जोशी सुश्री शालिनी परस्ते अनुअधिकारी बैतूल द्वारा थानागंज को मामले की विवेचना के लिए निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पंकज यदुवंशी के सिर चेहरा पैरों में आई चोटों व मृत्यु का कारण ज्ञात करने के लिए विवेचना की गई है। जहां मृतक का शव मिला है वहां लगे सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी पूर्ण सूक्ष्मता से विवेचना की गई। विवेचना के आधार पर मृतक की बालिका दोस्त के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। बालिका से पूछताछ की गई जिसमें दो युवक देवेंद्र यादव व हेमंत यादव का नाम सामने आया है। दोनों युवकों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 364 302 34 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी 19/12/2023 अभी कुछ दिन पहले ही जो गंज थाना क्षेत्र है वहाँ पर हमलापुर क्षेत्र है वहाँ पर एक जो लड़का है जिसका नाम पंकज यदुवंशी पता चला उनकी जो बॉडी वहाँ पर मिली थी जिसकी सूचना 100 डायल में मिली थी। फिर वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसके बारे में सूचना दी गई और वहाँ पर परिवारजनों को भी बुलाया गया। फिर परिवारजनों को सारी शव की तस्दीक कराई गई उसके बाद पीएम के लिए शव को भेजा गया। पीएम होने के बाद वहाँ पर पता चला कि उसको इंटरनल इंजरी थी तो थोड़ा इस पर संदेह व्यक्त हुआ तो आगे इसकी विवेचना प्रारंभ की गई थाना प्रभारी एवं उनके स्टाफ द्वारा। तो संदेह के आधार पर दो लड़कों को उठाया गया, एक का नाम हेमंत यादव और एक का नाम है देवेंद्र यादव। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि एक जो इन हेमंत यादव है उसकी एक महिला मित्र है उसके कक्ष में ये पंकज यदुवंशी दोनों महिला मित्र और पंकज यदुवंशी को हेमंत यादव ने साथ में देख लिया था। तो उसने अपने जो मित्र है देवेंद्र यादव उसको बुलाया और ये पंकज यदुवंशी है उसको लेके माचना नदी के साइड गया वहाँ पर उसके साथ मारपीट वगैरह की और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ के वो वहाँ से चले गए। उसके बाद ये जो पंकज यदुवंशी है वो कुछ दूर वहाँ चला फिर जहाँ पर उसकी बॉडी मिली वहाँ पर जाके वो गिर गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह जो हेमंत यादव है और देवेंद्र यादव ने है जो अपनी जो उन्होंने की थी उसको मारपीट की थी उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया तो उनको अभिरक्षा में लेकर और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।